सबसे पहले कॉन्क्रीट बेचिंग प्लांट के अंदर जो जो लोड सेल लगता है उसके उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है गैदरिंग का लोड सेल, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 टन होती है। उसके बाद आता है सीमेंट और वाटर का लोड सेल, उसकी जो कैपेसिटी वो 750 kg है। उसके बाद आता है केमिकल का लोड सेल, केमिकल के लोड सेल की कैपेसिटी 50 kg। अभी हमने लोड सेल की जानकारी ले ली, अभी अपने को ये सीखना है कि लोड सेल चेक कैसे करना है। तो लोड सेल चेक करने के लिए पहले मल्टीमीटर का होना जरूरी है। मल्टीमीटर के ऊपर आपको ओम्स के ऊपर सेट करना है मल्टीमीटर को। ओम्स के ऊपर सेट करने के बाद क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को लेके गैदरिंग के जंक्शन बॉक्स के पास जाना है। गैदरिंग के जंक्शन बॉक्स के पास जाके उसके अंदर 4 लोड सेल का कनेक्शन किया हुआ है, उसमें से कोई भी एक लोड सेल का कनेक्शन आपको ओपन कर देना है, मतलब खोल देना है। उसके बाद उसके अंदर रेड और ब्लैक वायर रहते हैं। रेड और ब्लैक के अलावा ब्राउन और येलो भी हो सकता है। तो रेड और ब्लैक के बीच में जो ओम्स की वैल्यू है वो अपने को आनी चाहिए 385 to 390, यानी कि 385 से 390 के बीच में, तो वो वैल्यू सही है। उसके बाद आता है ग्रीन और व्हाइट वायर। तो ग्रीन और व्हाइट वायर के अंदर 350 से लेके 355 तक वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 350 से लेके 355 तक, तो वो लोड सेल आपका सही है। ऐसे ही दोस्तों आपको 1x1 चारों लोड सेल चेक करना है। लोड सेल चेक करने के बाद अगर रेड और ब्लैक वायर में आपकी वैल्यू, ओम्स की वैल्यू अगर सही आती है और ग्रीन और व्हाइट में अगर गलत आती है तो वो लोड सेल अपना खराब है। जैसे हमने लोड सेल को कैसे चेक कर दे वो सीखा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका काउंट भी दिखाता हूँ कि काउंट कैसे देखना है, चेक करना है आपको। तो ये मेरा एक 2 टन का लोड सेल है, इसकी मैं रेड और ब्लैक वायर पकड़ता हूँ, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि काउंट कितने आते हैं और कैसे आते हैं। ये देखिए, ये मेरा रेड और ब्लैक कलर का वायर है लोड सेल का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू जो है वो 385 से 90 के बीच में आएगी, जो मल्टीमीटर में अभी शो कर रहा है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको ग्रीन और व्हाइट वायर कैसे चेक करना है वो दिखाता हूँ। अभी मैं ग्रीन और व्हाइट वायर को मल्टीमीटर के ऊपर सेट करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मल्टीमीटर के ऊपर रख दिया है ग्रीन और व्हाइट वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन और व्हाइट वायर की ओम्स की वैल्यू 350 से लेके 355 तक शो करेगी, तो आपका लोड सेल सही है जो अभी आपको मल्टीमीटर में दिखाई देती है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने आपको जो लोड सेल चेक करने की सिस्टम बताई वो सिर्फ गैदरिंग के लिए। तो 750 का लोड सेल जो सीमेंट में लगता है, वाटर में लगता है या फिर एडिटिव में, वो सब लोड सेल को आप इसी तरह से चेक कर सकते हो। देखिए, अभी मैंने आपको ये 2 टन का लोड सेल चेक करके दिखाया। अभी हम ये लोड सेल, यानी कि 750 वाला लोड सेल, एक मेरे पास एक और लोड सेल है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये 750 के लोड सेल का पहले वायर लेता हूँ, ग्रीन और व्हाइट। तो उसका काउंट मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन और व्हाइट का, ठीक है। ये देखो, ये मैंने ग्रीन और व्हाइट का, व्हाइट को मल्टीमीटर के ऊपर रखा है। तो मल्टीमीटर में आप इसकी वैल्यू देखो 352, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि ग्रीन और व्हाइट के अंदर 350 से लेके 355 तक वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि अपनी 352 दिखा रही, तो अपना ये लोड सेल भी सही है। 750 के लोड सेल का रेड और ब्लैक वायर, अभी मैंने ये मल्टीमीटर के ऊपर सेट किया है रेड और ब्लैक वायर को। जैसे हमने पहले ग्रीन और व्हाइट में चेक किया तो उसकी वैल्यू हमको सही दिखाई है। अभी रेड और ब्लैक की, ब्लैक में क्या वैल्यू आती है वो आप लोड सेल मल्टीमीटर के ऊपर देख सकते हो, मतलब ये गलत आ रही है वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया था कि 385 से 390 तक आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है, मतलब ये लोड सेल अपना खराब है।